कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। दोस्तों सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका बेसिक मतलब ये होता है, अगर मैं किसी भी नंबर के अंदर जीरो को ऐड करता हूँ इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो मुझे वो नंबर एज इट इज़ ही मिलता है। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है रियल नंबर के केस में। हम बोल देते हैं कि ए यहाँ पर एक रियल नंबर है। ठीक है ना, तो रियल नंबर के केस में इस तरह से ये प्रॉपर्टी काम करती है। बट अब हमें यहाँ पर ये देखना है फंडामेंटली, दोस्तों क्या ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के लिए काम करती है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो इसको एक प्रॉपर्टी बनाया गया मैट्रिक्स एडिशन का। तो इसको दोस्तों आइए देखते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से चेक करेंगे। रियल नंबर के लिए तो ये चीज़ सक्सेसफुल है, मैट्रिक्स के लिए किस तरह से है भी या नहीं भी, ये भी देखना है। आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए। ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का वो हम बना लेते हैं। ए आई जे से संबोधित करेंगे, एम इन टू एन इसका क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने बात कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इस मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स ए है इसको जीरो से ऐड करना है, और यहाँ पे जीरो को इस मैट्रिक्स से ऐड करना है और देखना है क्या रिजल्ट आता है। तो अब हमें जीरो कहाँ से मिलेगा, जीरो क्या है, जीरो इज नथिंग बट ए जीरो मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे जीरो मैट्रिक्स देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स इस तरह से बना देते हैं हम। ये देखिए, अंदर एलिमेंट होगा इसके जीरो, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी सेम होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्डर सेम रखना पड़ता है, ऑर्डर सेम रखना पड़ता है। ठीक है ना, जिन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उनका ऑर्डर सेम रखना पड़ता है। इन दोनों ए और जीरो की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो उसको तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, आसानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ए की वैल्यू के ए के अंदर कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट लेते हैं। ए को बनाते हैं हम इस तरीके से, 2 1 1 3। ठीक है ना, क्या ऑर्डर हो गया, 2 into 2 हो गया। ओ से जीरो मैट्रिक्स को ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनाएंगे, इसकी अगर हम वैल्यू बनाएंगे तो चारों एलिमेंट इसके इस तरह जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका भी 2x2 होगा। देखिए ऑर्डर सेम है दोनों का। अब क्या करना है हमें, ए प्लस ओ इसका एडिशन करना है, क्या मतलब 2 1 और 1 3। ठीक है, इसको ऐड करना है किससे, 0 0 0 0 से। क्या मिलने वाला है आपको, ये मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0, यहाँ पे 3 प्लस 0, यहाँ पे इधर करके ये आएगा 2 1 1 3 एज इट इज़। ये क्या है, ये सेम मैट्रिक्स ए ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ओ प्लस ए को ऐड कर देते हैं। ओ क्या है, ये देखिए ये हो गया ओ प्लस ए क्या है, 2 1 1 3। ये क्या होगा, 0 प्लस 2 0 प्लस 1 0 प्लस 1, यहाँ होगा 0 प्लस 3 यहाँ होगा, और ये क्या आने वाला है, ये आएगा 2 1 1 3। ठीक है, ये भी देखिए ये भी ए आ गया। तो इक्वेशन किस तरह आ जाती है ये, ए अगर ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स से ऐड होती है या जीरो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स से ऐड होती है, तो आपको क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। ये देखिए, तो ये चीज़ जो हमने पीछे रियल नंबर के लिए बोला था काम करती है, यहाँ पर इसके लिए भी ये काम करती है। सो इट इज वर्किंग फॉर मैट्रिक्स एज वेल, मैट्रिक्स के लिए भी ये काम करती है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह से हुई, जीरो को यहाँ पर नाम दिया गया है, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये किसी भी रियल नंबर से, जब जैसे मैंने हमने रियल नंबर के केस में लिया था, ऐड होता है तो वो रियल नंबर ही देता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, सेम हमने जीरो मैट्रिक्स ही लिए, ये देखिए यहाँ भी जीरो मैट्रिक्स लिए, उसको ऐड किया तो हमें क्या मिला, जो हमारे पास ओरिजिनली था। दोस्तों इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने ये कंसेप्ट बिल्ड किया था रियल नंबर के लिए, उसको नीचे लेके आए, और फिर हमें जो यहाँ पर देखा, हमें चेक करना है किसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ चेक कर दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रूव भी हो गया कि ये दोनों फंडामेंटल आपस में बराबर होंगे, किसके, मैट्रिक्स ए के। ठीक है, जो हमने यहाँ पर एंड में लिखा भी है। दोस्तों इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा। कीप लिसनिंग, कीप